हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है ना, मतलब जब से व्लॉग बनाना शुरू करा है ना, उसके बाद से आज फर्स्ट टाइम ही जो है ना फेस टू फेस ऐसे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मैंने। अभी ना टाइम हो चुका है लगभग 5:30 बजे के आसपास का। निश्चय के पापा गए हैं। कहाँ गए हैं? नजफगढ़ गए। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, कल रात को जब हम सो रहे थे तो वोल्टेज ने ऐसे कट मारे और उसमें से एक पतंगा सा निकला। और एसी लगवाए अभी हुआ है, महीना भर भी नहीं हुआ है पूरा, तो वारंटी में तो है ही। तो फिर ये बोले कि क्यों रिस्क लेना है, अपना चेंज ही ना करा लाऊं जाके। तो कॉल कर लिया था उसको, तो उन्होंने बोला कि भाई लेके आ जाओ, चेंज हो जाएगी आपकी, तो 1 साल की तो वारंटी है ही। तो बस वो चेंज कराने गए। बच्चे जो है गली में खेल रहे हैं, मैं हो रही थी घर पे बैठी बैठी बोर, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली थी। मतलब तबीयत ढीली क्या, कल मैं जैसे गई नहीं थी बाहर, उसके बाद से ना मतलब मेरे थाइज में और बैक में ना बहुत पेन हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज रेस्ट करते हैं, आज मैं शॉप पे जाती ही नहीं हूँ। मतलब ज़्यादा देर बैठने की वजह से या पता नहीं कैसे थाई में पता नहीं कैसे पेन हो गया, तो मैंने आज रेस्ट मार लिया और आज जो है ना मैं गई ही नहीं। तो अब आराम करके भी थक सी गई, क्योंकि इस टाइम की आदत ऐसी बन गई है ना कि हाँ भाई जाना है, 2 पैसे कमा के आने तो नहीं जाओ तो फिर मन सा नहीं लगता है ना। और जिन जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं ना, जिनको मेरे दूसरे चैनल के बारे में नहीं पता, उनको बता दूं भाई मेरा दूसरा चैनल है सूटों का, जो कि उसको भी हो गए हैं 1.5-2 साल करीब होने वाले हैं। 2 तो नहीं, मतलब 1.5 तो हो ही गया होगा। और अगर आपको, आप भी ऑनलाइन सूट खरीदते हो, आपको भी इंटरेस्ट है ऑनलाइन शॉपिंग करने में, तो आप मेरा वो चैनल ज़रूर देखना, कृष्णा कलेक्शन के नाम से। लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। और अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसे वीडियो शुरू हो गए, लेकिन कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि क्या बात करें और क्या नहीं। धीरे धीरे अब वही अपने उसी आदत में आ जाऊँगी। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कहाँ थे आप इतने दिन से। मैं कहीं नहीं थी, मैं अपने घर पे ही थी, लेकिन आप ये मान लो कि बच्चों की तबीयत की वजह से या फिर और एक दो ऐसे छोटे मोटे फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं रेगुलर वीडियो डाल ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने एक लंबा सा ब्रेक ले लिया, ताकि मैं रोज़ रोज़ आपको भी ये ना बोल पाऊँ, बोलना पड़े मुझे कि मैं कल से पक्का डालूंगी, मैं परसों से पक्का डालूंगी, और मैं एक इतना लंबा ब्रेक ले लूं कि मैं खुद थक जाऊं वीडियो ना डाल डाल के, और फिर जब नए सिरे से शुरुआत करूं तो एकदम से मज़ा आए मुझे भी और वीडियो भी बनाने में मज़ा आए और मन भी लगे मेरा, है ना। तो बस इसी करके मैंने एक लंबा ब्रेक ले लिया। और निश्चय के हाथ की तो मैंने आपको बताई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रियंका इसकी बर्फ़ की सिकाई करो, तो बहन बर्फ़ की सिकाई भी कर ली, नमक फिटकरी के पानी की गर्म भी सिकाई कर ली इसकी, 1 हफ्ते तक कच्ची पक्की रोटी भी बांध के देख ली, 21 दिन का प्लस्तर भी पक्का करवाया था, उससे पहले 7 दिन का कच्चा प्लस्तर भी था, उसके बाद देसी वैद्य को भी दिखा लिया, हफ्ते हफ्ते की 2 बार पट्टी उसने भी बांध दी, प्लस्तर टाइप की पट्टी थी वो भी, लेकिन पहले से बेटर है, बट बहुत अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। हुआ कहना भी वो घर पे नहीं है, आएगा ना तब दिखाऊंगी। ये जो है ना, ये यहाँ से ये अपनी तरह ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, ना ये ऐसे ऊपर उठता है ना ही नीचे लटका जाता है, इतना मुड़ा रहता है। पहले बिल्कुल यूँ रखता था चिपका के, अब धीरे 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 वो इतना हो गया, मतलब अब थोड़ा सा है लेकिन अभी भी है, हमारे जैसा सीधा नहीं हुआ है। तो अब जहाँ भी गए ना लास्ट, तो उन्होंने यही बोला है कि भाई देखो मेरे पास तो इतनी दूर दूर से आते हैं, और वाकई में उनकी बहुत सारे लोगों ने हमें तारीफ़ की थी, बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया था कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ, तभी हम गए थे, लेकिन अब वहाँ जाने से भी ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने लास्ट यही बताया था कि अपने घर पे है ना, इसकी जितनी सिकाई करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको दोबारा भी प्लस्तर हम नहीं करवा सकते, क्योंकि जब पहला इसका प्लस्तर हुआ था ना 21 दिन वाला, वो पता नहीं टाइट प्लस्तर की वजह से या गर्मी की वजह से, उस टाइम इतनी गर्मी भी नहीं थी जब शुरू में प्लस्तर हुआ था, अप्रैल की बात है वो, लेकिन है ना इसके मतलब इतना भभक गया वो अंदर से हाथ कि इसका खून ही रुक गया, और इसके यहाँ से ना जब ये हाथ उठाता था तो हमें नील दिखने शुरू हो गए कि इसके हाथ में नील पड़ रहे हैं। फिर हमने एक दिन इसके पापा बोले कि आज मेरे को है ना इसके सुबह नील दिखे थे, तो दोपहर से में बस ऐसे ही ध्यान से हम देखने लग गए, सुबह तो इग्नोर कर दिया क्योंकि वो ड्यूटी पे जा रहे थे, फिर दोपहर में आके उन्होंने देखा, तो फिर वो बोले कि भाई चाहे हाथ पे कुछ भी हो जाओ, हाथ ठीक हो या पाओ या ना हो, लेकिन मैं प्लस्तर काटूंगा, अगर खून रुक गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर इसके पापा ने दिन में बैठ के वो प्लस्तर काट दिया, और हुआ क्या ना उसी दिन एक फ्रेंड ने मेरे को मतलब वो भेज दी, एक ऐसी वीडियो भेज दी जिसको देख के मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। उसके 2-4 दिन बाद भेजी उसने वो वीडियो, एक मतलब बुढ़िया बुज़ुर्ग महिला की एक वो वीडियो थी, वो हॉस्पिटल में पड़ी पड़ी मतलब ऐसे दर्द से चिल्ला रही थी, कह रहा रही थी, सेम प्रॉब्लम हुई थी उसको, हल्की फुल्की चोट थी, उसके ऊपर प्लस्तर बंधवा दिया भाई बच्चों ने, वो बुढ़िया होगी कम से कम 80-90 साल की, वो चिल्ला रही थी कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, अब भी प्लस्तर के अंदर से भी दर्द हो रहा है। घर वालों ने सोचा कि भाई इतना तो होता ही है, वो उन्होंने बनवाया था किसी देसी वैद्य से प्लस्तर,
वो ऐसी वीडियो थी ना, उसने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया। मतलब अपने पे जब बिकते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ये हमारे साथ ही ना हो जाए कहीं। फिर हुआ क्या, वो जैसे ही उसके घर वालों मतलब बच्चों ने बोला कि इतना दर्द तो माँ होगा, इतना दर्द तो होगा, उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन उनको दर्द हद से ज़्यादा हो रहा था। फिर जब वो एक दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने परेशान कर दिया होगा दर्द की वजह से, बिल्कुल ही नहीं रुक रही होंगी ना, तब वो हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने उनका हाथ का वो जो प्लास्टर बंधा हुआ था वो काटा, तो देखा कि हाथ अंदर से पूरा गल चुका था, पूरा जल चुका था, प्लास्टर की वजह से जल गया वो बाहर से और अंदर से वो गल गया, क्योंकि खून का जो दौरा था ना वो बंद पड़ गया था, उसका सारा हाथ नीला हो गया था, कहीं कहीं मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही थी ना हाथ की। वो वीडियो देख के मैं डर गई और मैंने उसको तुरंत मैसेज करा कि रेनू तूने ये क्या वीडियो भेज दी, ऐसी मिलती जुलती प्रॉब्लम से मैं फिलहाल जूझ रही हूँ और तूने ऐसी वीडियो भेज के सच में मेरा मूड खराब सा कर दिया। और मतलब मैं उस टाइम पे बहुत डर गई थी, लेकिन जब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट निश्चय में तो हो रहा है, लेकिन हमने फिर ये सोच लिया था कि अब प्लास्टर तो दोबारा नहीं करवाएंगे गर्मी के टाइम पे, घर की सिकाई विकाई से इसके हाथ को ठीक करेंगे। बाकी अगर कोई अच्छा उपाय, कोई अच्छा सजेशन आपके पास है तो आप भी बताना, लेकिन हाँ पहले जैसा नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ आपको, पहले से अब बेटर है, मतलब धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है इसके हाथ में। पहले तो बिल्कुल यूँ चिपका के रखता था यहाँ पे अपने हाथ को, मतलब पेट पे ऐसे रखता था, ये हिलता ऐसे ही नहीं होता था सीधा, जो भी काम करता था वो ऐसे ही करता था यूँ इसी पोजिशन में हाथ रख के। अब धीरे धीरे खुलने लगा है, तो अब मैं क्या करती हूँ ना, शाम को गुड़ तेल का पूड़ा बना के वो बांधती हूँ इसको, और सुबह के टाइम इसकी बर्फ की सिकाई करती हूँ। तो वीडियो देखो, बात करते करते ना जब एक टॉपिक चल जाए ना तो पता नहीं चलता कहाँ का क्या हो जाए। भाई मैं तो ये कहूँगी कि जो उस वीडियो में मैंने देखा ना, भगवान ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। मतलब वो वीडियो मुझसे पूरा नहीं देखा गया, मैंने पहले ही मैसेज कर दिया और वो वीडियो बंद कर दिया कि भगवान मैं नहीं देख सकती, क्योंकि वैसे कोई वीडियो भेज दे तो देख भी लो, और जब उसी सिचुएशन से हम भी निकल रहे हैं सेम वही, क्योंकि जब निश्चय को प्लस्तर बंधा हुआ था ना तो निश्चय भी मेरे को यही कह रहा था कि मम्मा अंदर से ना मेरे को कई बार बहुत तेज दर्द होता है और मेरे खुजली भी होती है, मैं खुजली कैसे करूँ अपने इसके अंदर हाथ से। तो मेरे को वही सारी बातें दिमाग में घूमने लगी कि अगर हम इसका प्लस्तर नहीं काटते तो क्या होता। जब प्लस्तर काट के खोला ना तो अंदर से कई जगह नील पड़े हुए थे उसके। तो चलो भाई आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, अब वैसे ही वीडियो काफी लंबा हो गया बातचीत करते करते। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि अब ब्लॉग क्या बनाऊंगी, मैं आप लोगों से बात ही ना कर लूँ अब, जब 7-8 मिनट की मैंने बात कर ली तो आप लोग भी सोचोगे कि अब क्या, मतलब 2 मिनट की क्लिप ऐड करके क्या ब्लॉग का नाम दे दिया इसको। तो ठीक है भाई, बाकी सब तो ठीक ही है, और त्रिश का भी पूछ रहे थे कुछ लोग, तो त्रिश का क्या हो रहा था ना, मैंने एक दो को जैसे व्हाट्सअप पर या फिर कमेंट्स में रिप्लाई किया है इस बीच में कि भाई बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो त्रिश को ये हो रहा था, त्रिश छोटा है, त्रिश के दांत तो निकल गए बहुत ही आसानी से, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला उसके 6 दांत कब निकल गए, 4 उसके ऊपर के आ चुके हैं, 2 नीचे के, और बिल्कुल ईजिली निकल गए, लेकिन जब उसकी जाड़ निकली ना तो उसका इतनी परेशानी हुई, मतलब वो बिल्कुल सुखा दिया, इतने लूज मोशन, मतलब जितनी बार वो पानी पिए 2 पानी की मतलब तरह लूज टूल उसके, और दूध पिलाओ तो, दही खिलाओ तो, केला खिलाओ तो, मतलब जो कुछ भी खिलाओ वो दस्त में निकल रहा था, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं पचा पा रहा था। तो यूँ लगा लो आप 15-20 दिन तो मैं उसने बहुत परेशान करी, मतलब धोने वाला तो था ही था परेशान और धुलवाने वाला भी परेशान हो गया था, क्योंकि स्किन ना छिलने लग गई थी उसकी, इतना ज़्यादा परेशानी में आ गया था वो, और मतलब पैर चलते टाइम ना उसके कांपने लग गए थे, ऐसे लड़खड़ाने लग गया था। तो उस टाइम मैंने वीडियोज़ वगैरह इसीलिए बिल्कुल बंद कर दिया था कि मेरे लिए ना मतलब पहले बच्चे इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है। आप ये बताओ कि सारा जो भी कुछ भी हम थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ भी जो भी कमा रहे हैं वो किसके लिए, इन्हीं के लिए है ना, और जब इन्हीं का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर उस ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि एक ब्रेक ले लेती हूँ, मेरे भी माइंड को थोड़ा शांति मिल जाएगी, बच्चों को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा ही मिलेगा, और इनके ऊपर ध्यान भी अच्छे से दे पाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बनाना कोई आसान काम नहीं है, डेली व्लॉगिंग करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। जिस जिसके मन में ये वहम है ना कि करना ही क्या होता है, बातें करनी है, काम दिखाना है, ये काम तो हम रोज ही करते हैं घर पे, रोज ही दिखा देंगे, तो वो ट्राई मार के देख लो। मैं तो सबको कहती हूँ कि सबका मोस्ट वेलकम है भाई, सब अपना अपना ट्राई करके देख लो, बिल्कुल आसान नहीं है यहाँ पे रेगुलर काम करना। मैं 4 साल में लगभग 2-2.5 साल स्टार्टिंग में बिल्कुल रेगुलर रही, लेकिन उसके बाद मैं खुद गैप करने लगी थी, जब से त्रिश जो है ना कंसीव किया था ना मैंने, उसके बाद से मेरे गैप बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। मैंने प्रेगनेंसी में भी इतना गैप कर दिया जो कि मुझे कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वही एक टाइम था मेरा जो कि चैनल अच्छा ग्रो कर सकता था, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने बहुत ज़्यादा
गैप किया, और तबीयत की वजह से मैं जब भी गैप करती हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न रहता है कि भाई अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, ये सब पहले रखती हूँ मैं, बाकी व्यूज़, बाकी पैसा, ये सब जो है ना पीछे रखती हूँ। अगर मैं इन सब को इम्पोर्टेंस देती तो शायद आज लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर गई होती मेरे चैनल को जो है ना। अब जो ये जून जुलाई जो आएगा, इसमें 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो बहुत ऊपर जा चुकी थी होती अगर इन सब को या किसी फालतू फालतू चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती तो। तो चलो भाई, आज के इस वीडियो को अब यहीं एंड करती हूँ। छोटा सा ही आज का ये ब्लॉग था, और मैं सोच रही हूँ इसको अभी डाल दूँ ब्लॉग तो क्या होगा, क्योंकि ब्लॉग तो मैंने आज सुबह भी बना ही लिया था अपना रूटीन ब्लॉग, तो वो कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक बात और बताऊँ, मैंने आज बहुत टेस्टी सब्जी बनाई थी, बहुत बढ़िया, और इसीलिए आज मैं फ्री भी बैठी हूँ क्योंकि वो सब्जी भी बची हुई है, और सब्जी की रेसिपी ना आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप रेडी रहना, ठीक है, बाय।